अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं अंसार सत्ती और आप देख रहे हैं पाक दुबई टीवी। T20 वर्ल्ड कप में अगर मगर का सिलसिला शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी टीम की जिम्बाब्वे के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के इम्कान तकरीबन ख़त्म हो चुके थे, लेकिन कल पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान ने 36 रन से साउथ अफ्रीका को डिफीट किया। और इसमें पाकिस्तान जो टॉप ऑर्डर है, जो हमारे ओपनर्स हैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, उन्होंने फिर से वो नाकाम हुए और उन्होंने एक बहुत ही स्लो स्टार्ट लिया और फिर अपनी विकेट्स भी गंवा दी। लेकिन उसके बाद जो हैदर अली और फख्र जमान की रिप्लेसमेंट पे मोहम्मद हारिस को टीम में शामिल किया गया। उनका ये पहला मैच था T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन वो टीम के साथ एशिया कप से हैं, लेकिन उनको ये चांस नहीं दिया गया एशिया कप के किसी भी मैच में। उसके बाद पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेली और फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के अगेंस्ट मैचेस खेले, लेकिन हारिस को चांस नहीं दिया गया। ये पहला मैच था हारिस का, लेकिन उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। 11 बॉलों पे उन्होंने 28 रन किए और पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट फ्राम किया। लेकिन उसके बाद बाबर आजम भी 16 बॉलों पे 4 से 5 स्कोर करके आउट हो गए, जो कि बाबर आजम नाकाम रहे एशिया कप में थ्रू आउट और उसके बाद वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। इसके अलावा बाबर आजम की कैप्टनसी पे भी सवालिया निशान है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजंस किए जिसकी वजह से पाकिस्तान को भारत से शिकस्त हुई और उसके बाद जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान को इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। अफ्रीका के खिलाफ मैच में हारिस के बाद इफ्तिखार अहमद ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। उन्होंने इनिंग्स जबकि पाकिस्तान के 43 पे 4 आउट हो चुके थे, लेकिन इफ्तिखार और मोहम्मद नवाज़ ने टीम को संभाला। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मोहम्मद नवाज रन आउट हो गए, लेकिन शादाब खान ने 20 बॉलों पे 50 रन किए और पाकिस्तान का स्कोर 185 तक पहुंचा दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और साउथ अफ्रीका को पाकिस्तान के हाथों डिफीट हुई। अब इस ग्रुप के जो मैचेस हैं, भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगा। अगर भारत जिम्बाब्वे से हार जाता है तो भारत वर्ल्ड कप से आउट हो जाएगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल में चला जाएगा, जिसके इम्कान बहुत ही कम हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का जो मैच है वो अगर ड्रा हो जाता है और पाकिस्तान का जो एक ही मैच है बांग्लादेश के अगेंस्ट, अगर वो बांग्लादेश के अगेंस्ट अच्छे स्कोर से वो जीतता है और अपना रन रेट बेहतर करता है, तो उस सूरत में पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। तो पाकिस्तान को अच्छी तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच जीतना होगा और फिर दुआओं पे भरोसा करना होगा और किस्मत पे। देखते हैं और उम्मीद करते हैं हम कि पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा और जो गलतियां पाकिस्तानी टीम ने की हैं पीछे वर्ल्ड कप के शुरू के 2 मैचेस में, वो गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह नेगेबान।